नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। बिहार में शराबबंदी है और यहां के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वचनबद्ध हैं बिहार को ड्राई स्टेट बनाए रखने को लेकर। आपको बता दें कि नवंबर में जब लगातार जहरीली शराब पीने के बाद लोगों की मौत हो रही थी, तो 16 नवंबर को एक समीक्षा बैठक की गई, जिसमें साफ ये कहा गया कि शराबबंदी को और कड़ाई से पालन किया जाए। और नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि उनके जीते जी, उनके बिहार के मुख्यमंत्री रहते हुए शराब के मामले में कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता है। और फिर से बिहार के हर एक जिलों में कड़ाई शुरू कर दी गई। लेकिन आपको बता दें कि शराबबंदी को लेकर जो न्यायालय है और खासकर सुप्रीम कोर्ट, वो बिहार के इस फैसले से काफी नाराज रहा है। आपको ताजा मामला बताते हैं, उससे पहले याद करा दें कि कुछ दिनों पहले ही देश के प्रधान न्यायाधीश M.B. रमना ने विजयवाड़ा में एक कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि ये एक अदूरदर्शिता वाला फैसला है और कानून की प्रक्रिया में इससे बाधा पहुंचती है। वही बताएं आपको कि ये तो कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, और जब यहाँ से जो जमानत मिल गया, जो शराब के सेवन करते थे या तस्करी करते थे, भंडारण करते थे, उनको पटना हाई कोर्ट ने जमानत दे दिया और इस जमानत के खिलाफ बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई, तो वहाँ पर बिहार सरकार की याचिकाओं को ही खारिज कर दिया गया और उसकी भी सुनवाई देश के प्रधान न्यायाधीश कर रहे थे। उन्होंने फिर टिप्पणी की इसको लेकर कि इस कानून के चलते न्यायपालिका पर बोझ बढ़ा है, परेशान हो गए हैं पटना हाई कोर्ट के लोग। आपको बता दें कि मामले में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को झटका देते हुए मद्य निषेध कानून में दी गई जमानत के खिलाफ दायर अनेक याचिकाओं को बुधवार को खारिज कर दिया। जमानत याचिकाओं के खिलाफ सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश N.V. रमना ने कहा कि बिहार में इस कानून ने अदालतों पर बहुत बोझ डाल रखा है। आए दिन मद्य निषेध कानून 2016 के तहत याचिकाएं दायर होती हैं और इस कानून के तहत 10 साल की सजा का प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि पटना हाई कोर्ट में रोज ऐसी याचिकाएं आती हैं और वहां इन्हें सूचीबद्ध होने में 1 साल तक का समय लग जाता है। हमें बताया गया है कि पटना हाई कोर्ट में 10 से 15 जज रोज ऐसी याचिकाएं सुन रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश ने इससे पहले एक कार्यक्रम में भी बिहार के इस कानून का जिक्र किया था और कहा था कि सरकारें कानून के प्रभाव का अध्ययन किए बिना कानून बनाती है, जिससे अदालतों पर बोझ बढ़ जाता है। बिहार सरकार के वकील मनीष कुमार ने कहा कि हाई कोर्ट यांत्रिक रूप से ऐसे मामलों में जमानत दे रहा है, जिससे कानून का लक्ष्य ही पर पराजित हो जा रहा है, इन्हें रद्द किया जाना चाहिए। इस पर कोर्ट ने कहा कि तो क्या ये जमानत न दी जाए, क्योंकि आपके आबकारी कानून बना दिया है जिनमें शराब पकड़े जाने पर 10 साल या उम्र कैद की सजा है। कोर्ट ने पूछा कि हत्या की क्या सजा है, वकील ने कहा कि उम्र कैद या मौत की सजा। कोर्ट ने पूछा तो उसमें जमानत नहीं मिलती है क्या, यह कहकर कोर्ट ने जमानत रद्द करने की याचिकाओं पर विचार करने से इनकार कर दिया। तो आपको बता दे कि बड़ा ही बड़ा झटका लगा है बिहार सरकार के इस आबकारी कानून के, मद्य निषेध कानून के, जिसमें नीतीश कुमार ये कहते हैं कि उनके रहते बिहार में शराब को लेकर कोई भी कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता है। इसी के लिए, शराब के लिए ही हर एक जिलों में एक अलग से जज की व्यवस्था की गई है। तो वही सुप्रीम कोर्ट जो है बिहार के इस कानून के चलते खासा परेशान है। चीफ जस्टिस के द्वारा दो दो बार बयान दिया गया इस कानून को लेकर, एक कॉन्फ्रेंस में विजयवाड़ा में और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान। इसमें ये वकील के द्वारा कहा गया कि अगर जमानतें इसी तरह दी जाएंगी तो फिर ये कानून पराजित हो जाएगा, ढीला हो जाएगा, लोग में डर नहीं रहेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हत्या के कानून में, हत्या में क्या सजा दी जाती है, वकील ने कहा कि उम्र कैद या फांसी की सजा दी जाती है। तो जज ने कहा क्या उसमें जमानत होती है या नहीं होती है, जमानते होती है उसमें भी, तो इसी आधार पर। और उन्होंने ये भी कहा कि आपके कानून के चलते बहुत ही समय लग रहा है, बोझ बढ़ा हुआ है, रोजाना 10 से 15 जज जो हैं इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं,
लिस्टिंग हो रही है, लिस्टिंग होने में भी एक साल का समय लग जा रहा है, जमानत क्या नहीं दी जाए, और ये कहते हुए बिहार सरकार का जमानत के खिलाफ जो याचिका थी उन सभी को रद्द कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। आपको बता दें कि हजारों हजार की गिरफ्तारी बिहार में हुई है। आपको बताएं कि एक महीने में 14,000 लोग गिरफ्तार हुए हैं शराबबंदी को लेकर। इतने बड़े संख्या में इतने हजार जो है वो छापेमारी चल रही है, FIR दर्ज हो रहे हैं, कोर्ट सरेंडर कर चुका है। कोर्ट पहले भी, आज से एक डेढ़ साल पहले भी हाई कोर्ट ने कह रखा था कि हम इतने मामलों की सुनवाई नहीं कर पाएंगे, और अब बताएं आपको कि सुप्रीम कोर्ट बिहार के इस शराबबंदी कानून के खिलाफ है, लगातार बयान दिया जा रहा है, और बिहार के पटना के हाई कोर्ट के द्वारा शराबबंदी कानून के तहत जिन्हें जमानत दी गई है उनके जमानतों पर सुप्रीम कोर्ट विचार भी नहीं कर रहा है। तो ये बड़ा ही विकट स्थिति बिहार के लिए आ गई है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आपको बता दें कि इसी को लेकर बिहार में समाज सुधार यात्रा तक निकाले, हालांकि कोविड के कारण उसे अभी स्थगित किया गया है, फिर वो निकलेंगे। तो अब देखने वाली बात है कि बिहार की कार्यपालिका और देश की सर्वोच्च न्यायपालिका के बीच में द्वंद की स्थिति बन गई है, और न्यायपालिका का साफ कहना है कि कानून बनाते समय अदूरदर्शिता का परिचय दिया गया, और कानून के पालन कराने में कितना मुश्किल होता है, कोर्ट में कितना मुश्किल होता है, न्यायालय पर कितना दबाव बढ़ता है, ये चीज़ का विचार राज्य सरकार के द्वारा नहीं किया गया है। तो अब देखने वाली बात है इसका कैसे समाधान होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है बिहार के शराबबंदी कानून के देखा जाए तो अप्रत्यक्ष रूप से सीधे सीधे खिलाफ में है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।